अतुलित बल धामं हेम शैलाभ देहं दनुज वन कृषाणु ज्ञानिनं अग्रगण्यं सकल गुण निधानं बानराणं मधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि बात जातं नमामि। चारि युग अमर बा चिरंजीवी जो सप्त चिरंजीवी भितर अग्रगण्य होती हनुमान जी महाराज महाप्रभुंकर कार्य करिबा पई श्रीक्षेत्र जो ही राम सोही जगदीशा न्याय कालिया शांत होती राघवेन्द्र सरकार अर्थात स्वयं प्रभु रामचंद्र। तेणु रामचंद्र जेतेबेले त्रेतया युगरे तांकर नीलार समाप्ति परे सरजू नदी रे निजकु विसर्जन करी जल समाधि लाभ करने को चेष्टा करथिले सेतेबेले दुई जण व्यक्ति सेठारे दंडायमान रहिथिले जणे होउचंती चिरंजीवी विभीषण आजिका दिन में महाप्रभु को दर्शन करने श्रीक्षेत्र श्रीवत्स खंडशाल नित्य प्रतिदिन लंकागड़ आसी था विभीषण एवं आउ द्वितीय व्यक्ति जनक होती चिरंजीवी हनुमान। हनुमान जितेबाला प्रश्न करते महाप्रभु आम आपणकर सानिध्य पाथलु बर्तमान आपण निजक जल समाधि देकरी वैकुंठ को गमन करते महाप्रभु तक उत्तर देते जे इक्षाकूर देवता कली युगरे नीलाचल धाम रे मु पूजा पाइबी मुहि रामचंद्र तेणु तमें जेहेतु चिरंजीवी नित्य प्रतिदिन श्रीक्षेत्र अवस्थान करके मोर सानिध्य नब तेणु श्रीक्षेत्र प्रत्येक स्थान रे हनुमान जी विराजमान करिसंती किंतु ता मध्यरु श्रेष्ठ होउचंती ओळा बेढ़ा तले रही कपिध्वज महावीर कपिध्वज हनुमान नामकरण कहीं कपि एवं ध्वज कहा जाइछि ना ध्वजा निकटरे से जेहेतु रहिसंती नीलचक्र को सुरक्षा प्रदान करथुबारु से कपिश्रेष्ठ ना होची कपिध्वज हनुमान। हाथ वज्र ध्वजा विराजे मस्तक जैसे कांधे मुझु जनेऊ साजे बोली हनुमान चालीसा रे कुआ जाई तेणु सदा सर्वदा ध्वजाटीए धारण करी बजरंग बाली हनुमान इतस्तत जितेबले उड़ी जाई थांती सेतेबले भक्तटीए गाई उठी थाए लहर लहर लहराई रे झंडा बजरंग बाली की लहर लहर लहराई रे झंडा बजरंग वाली की इसी झंडा को हाथ में लेकर इसी झंडा को हाथ में लेकर समुद्र पार कर आई रे झंडा बजरंग वाली की। अर्थात समुद्र को गोटे नला भली लंघन करिवार शक्ति जगन्नाथंकर आशीर्वाद रु प्राप्त होइचंती हनुमान जी। ये श्रीक्षेत्र में जदि समुद्र क्या भय करुए सी हूँ से बजरंग बाली हनुमान जो का दरिया महावीर भाव में दरियाकूल शकर तीर्थ रोड से बेड़ी पड़ी करी महावीर ये रही जहाँफल समुद्र सीमा लंघिवा को चाह न था से जगन्नाथ महाप्रभुंर आज्ञा को शिरोधार्य कर हनुमान जी अँला बेढ़ा तले दंडायमान होती जमीक श्रीक्षेत्र को कौन सी समय प्राकृतिक विपर्यय विभिन्न प्रकार समुद्र कूल में जेहेतु श्रीमंदिर दंडायमान तेणु श्रीमंदिर को सुरक्षा देवाई कपिध्वज हनुमान एठारे विराजमान कर महावीर बिनौ हनुमाना राम जाशु जस आप बखाना। अर्थात एते दक्षता थिले मध्य सबुबले रामचंद्रंकर जगन्नाथ महाप्रभुंकर दासानुदास होकर सबुबले जोड़ हस्तरे से दंडायमान होती प्रत्येक स्थान रे महाप्रभुंकर भक्त मानक से सुरक्षा दे था सहित समुद्र कराल ग्रास रु रक्षा करने का विभिन्न नाम को अवलंबन करके विभिन्न स्थान रही पश्चिम द्वार रे कानपाता हनुमान समुद्र गर्जन को कान पाति दरिया महावीर रही श्रीक्षेत्र में बेड़ी हनुमान नाम धारण करी कपिध्वज हनुमान रही नीलचक्र तले अणा बेढ़ा तले समुद्र कराल ग्रासर को श्रीक्षेत्र शंखनाभि मंडल को सुरक्षा प्रदान करने से भक्त टीए गाई उठी समुद्र नालिका जस्य गंधमार्दन पुष्पंच दिवाकर फलंग जस्य राम भक्ता यते नम राम भक्ता यते नम। अर्थात समुद्र को गोटे नला भली लंघन करपारती गंधमार्दन पर्वत को पारिजात पुष्प सदृश हाथ में टेक गमन करल सूर्य उदय कालीन सूर्य को लाल सेउटीए फलटीए ज्ञान करके भक्षण कर जगन्नाथ महाप्रभुंर दासानुदास सेवक से आंजनेय हनुमान जी ताकू आम प्रणाम करुचू।